तो दोस्तों आपका स्वागत है वापस से ईवल विद इन टू में. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. ऐसे ही फटाफट लाइक ठोकते जाइए फॉर द नेक्स्ट एपिसोड एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. आप लोगों ने देखा पिछले एपिसोड में कि हम लोग सिटी हॉल में तो पहुंचे, एक से बढ़कर भूत आ रहे भाई. 3 खोपड़िया वाली गार्डियन, फिर उसके बाद वो ऑब्स्क्यूरा कैमरा वाला भूत भाई स्टेफानो निकला, वो मर्डरर जो हमारी फोटो खींचे जा रहा है उसका पता लगाना है. हम लोग जाएंगे आगे वहीं से, लेट्स गो. तो ये है चैप्टर नंबर 6 ऑन द हंट. तो हमें उधर तक पहुंचना पड़ेगा भाई. स्टेफानो वहीं पे गया, वो बड़ी सी आंख वहीं पे है. तो हमें मैरो के थ्रू जाना पड़ेगा. हमें एग्जिट D5 ढूंढना है इस बार. वो एग्जिट सीधा हमें उस डायमेंशन में ले जाएगा, उस वाली आइलैंड पे पहुंच जाएंगे हम लोग. सबका सब तहस नहस हो चुका है. कुछ आसमान में उड़ रहा है, कुछ ज़मीन पे है. क्या ज़मीन है क्या आसमान है ये भी नहीं पता हमें. लेकिन वापस कंप्यूटर की तरफ भाई. इसी स्टोर रूम के अंदर पूरा पोर्टल खुला हुआ है. बताओ लिली के लिए क्या नहीं किया हमने. बचाना ही बचाना है भाई. एक बेटी थी जिसका हमें बाद में जाके पता चलता है अभी भी ज़िंदा है वो. ये मारी स्लाइड, क्या बात है क्या बात है. वापस आ गए यार. मेरे पास वैसे काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है. सबसे पहले तो कॉफ़ी पियो, जान बचाओ. कॉफ़ी ने हमारी जान बचाई है यार. एक प्याली कॉफ़ी की हेल्थ फुल कर देती है. आराम से, कितने आराम से पी रहे हैं भाई. पावर अप है, एक तरह का पावर अप. एक बार नर्स से भी तो मिल गया है. हमें एक चाबी भी मिली थी उस लॉकर की. वो स्पेशल लॉकर्स कहाँ हैं इस बार. सेबेस्टियन के कमरे में वापस हम लोग यहीं पे. अपग्रेड टेबल हमारा, वर्क बेंच. भाई वर्क बेंच तो है इधर. अच्छा वहीं पे तो था वो, लेकिन वो कहाँ है. लॉकर्स कहाँ पे, इधर ही थे क्या. नर्स हमारा वेट कर रही है. शूटिंग गैलरी अभी भी चल रही है यहाँ पे. हेलो नर्स. अभी ये वो लॉकर्स खुले नहीं है लगता है मुझे. एक तो जब भी शिफ्ट करो दरवाजे से इधर उधर पूरी दुनिया चेंज होने लगती है यहाँ वहाँ की. चल भाई बैठ जा, थोड़ा ग्रीन जेल यूज करने का टाइम है. देख खोपड़िया में घुसा. You brought something with you. A key? Excellent. अच्छा. Some keys open doors of perception, but this isn't one of them. This one is more mundane, but still useful. तो लॉकर्स यहीं पे थे क्या, डराई है. Go on. Open one. Its contents are better off in your hands than locked away in here. क्या खोलना चाहते हो क्या. नहीं, सीधा ट्यूबलाइट के नीचे वाला खोलूंगा भाई. खुल जा सिम सिम, देखते क्या मिलेगा इसमें से हमें. ओह गन पाउडर, आए हाय क्या वेस्ट था. एक ही लॉकर की थी हमारे पास एंड सिर्फ गन पाउडर मिला हमें उसमें से. ये क्या है नर्स. And now you fully understand what you're up against. He's powerful. He's also a sick freak. But he is as driven as you are, and seeking the same thing. You are more alike than you'd care to admit. I'm not like him. He's a murderer. And there are no bodies strewn in the path behind you? I'm not here to debate with you. Let's get going. I've got stuff to do. नर्स टाटियाना का कहना है स्टेफानो बिल्कुल हमारे जैसा है. वो भी लिली को ही चाहता है. वो भी कोर के पीछे ही पढ़ा है, कुछ ना कुछ करना चाहता है भाई. वो क्या पढ़ा है यार. सबसे पहले 7500 का है टफनेस 3. 7300 ही है मेरे पास अभी तो. एथलेटिसिज्म में कुछ बढ़ाना चाहिए, कुछ भी नहीं बढ़ाया मैंने इसमें तो. इंक्रीज स्टैमिना 1500 का लेट्स. और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ 3000 दे के. Gives a chance to automatically avoid an attack that would have damaged you. Automatic avoid, ये भी मस्त होगा. Stamina recovery, 5000 लगेंगे automatic avoid. Left. Oh, reflexes भाई. एक attack से तो हम बच पाएंगे certainly. Come on, ये मस्त होने वाला है. 850 बचे अब मेरे पास. I don't think so, अब कुछ बचा है मैं लेने लायक. जान दो मुझे यहाँ से, जान दो, दूर जान दो. भाई अजीब सी जगह है, इस चेयर पे बैठो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता आदमी. ग्रीन जेल से क्या क्या नहीं कर रहा है ये. 45 वेपन पार्ट्स पड़े, अभी काफ़ी कम है भाई. मुझे उस दुनिया में वापस ले चलो भाई. मैरो जैसा पोर्टल क्या है मेरे सामने. मैं शीशे के थ्रू ट्रैवल कर रहा हूँ इधर से उधर. वो इसको अजीब नहीं लगता, मैरो में इतना रिएक्ट कर रहा था ये. चल भाई
Exit D5. D5 to go. Computer accessed. आ गए भाई मैरो के अंदर हम लोग. कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरे अंधेरा. वर्ल्ड यहाँ पे लोड हो रही है आप सामने सामने हमारे. 29% 30% गायब. सब कुछ नकली है भाई, सब कुछ मैट्रिक्स के अंदर है. ये ऐसा लग रहा है किसी लिम्बो में फंस चुके हैं हम लोग, डेथ और लाइफ के बीच में. वापस उसी दुनिया में. एक कंप्यूटर, वन मैरो टू अनदर. एक्सेस द टनल्स. चल चल चल. एंड ये लोड हुई दुनिया. एक्सेस टनल्स. सीधा सेंट्रल सिटी हॉल एक्सेस में आए हम लोग. ओके उस तरफ मुझे दिखा रहा है जाने के लिए. ये क्या था? चालू हो गया मेरा कम्युनिकेटर. चालू हो गया है क्या? लेकिन D5 पे जाना है मुझको. D5 पे अब चल रहा है कि नहीं मैप हमारा? मैप चालू हो चुका है. सही. पीछे कुछ करना है क्या मुझे? D5 ऑन द हंट. यहाँ पे है D5. बिल्कुल नए दरवाजे खोलने पड़ेंगे हमें. अननोन रेजोनेंस. दिस मस्ट बी द पैसेज ओनियो वाज टॉकिंग अबाउट. ओके हैंडगन एमओ पैच भी है उधर. जबकि कोई पैसेज खुद ब खुद खुल पड़ा. हाउ सेफ इज दिस? पहले हम उधर गटर में से निकल के आए थे. लिली, दिस प्लेस इज मेसिंग विद माय माइंड. लिली की आवाज सुनाई दे रही है भाई तुझको. तो अंदर कुछ है स्पेशल. चल थोड़ा सा मैच करते हैं इसको. अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया. ऑलमोस्ट अनलॉक्ड. यस फ्रीक्वेंसी जोड़ो इसकी एंड दरवाजे खुल जाएंगे अपने आप. मस्त चीज़ बनाई है मोबिस वालों ने. एक सिस्टम है इनका. अपग्रेड पाउच ही दे दो मुझको, कुछ तो दे दो सही सा. वेपन पार्ट्स दिए बताओ कितने? 25. ग्रीन जेल मिला 1800. हज़ार मिले. सही है भाई सही है. छोटे छोटे इक्विपमेंट्स ही दे रहे हैं मुझे उठाने के लिए. और कुछ खास तो था ही नहीं इस रूम में कभी. बाहर निकल बाहर निकल. भूत ना वेट कर रहो बस मेरे लिए. और कुछ नहीं. कोई है? लिली तुम सही में यहाँ पे हो या आवाज़ दे रही हो बस पागलों की तरह? एक ही बात है. आवाज़ आ रही है. राइट से जाना है कि लेफ्ट से जाना है? हैंडगन एमओ पैच पैच कह रहा हूँ पाउच यहीं पे है. किसी के पास है हैंडगन एमओ पाउच. लेकिन भूत भी होगा कोई आपके पास. इतनी आसानी से तो नहीं देंगे. यस 32 कैरी कर सकता हूँ मैं हैंडगन बुलेट्स. सही है भाई. सेकंड अपग्रेड मिल गया हमें. अपग्रेड्स और नए वेपन्स हमें ऐसे ही ढूंढने पड़ेंगे रेजोनेंस से. अबे तेरी जान तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे कुछ नहीं हुआ. दो शॉटगन शॉट्स. पीछे बैठा हुआ था आराम से. अरे भाई पागल. खोपड़िया उड़ा दूं क्या इसकी? हट पागल कहीं का. डरा दिया भाई. सोचो अगर मैं हैंडगन पाउच उठा रहा होता और ये आ जाता पीछे से तब पड़ जाती अपनी की. अरे पीछे की तरफ कुछ है छुपा के रखा है मैंने. मतलब एक्सप्लोर करना अभी खतरे से खाली नहीं. सोच रहे हो वेपन पार्ट्स के लिए जा रहा हूँ लेकिन वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ का पूरा होल्ड. फिर तो वाटी वाटम लग जाएगी हमारी. एक बुलेट बची है शॉटगन की अब हमारे पास. है तो पावरफुल लेकिन ख़त्म बड़ी जल्दी हो जाता है. अबे कोई है कोई है कोई है. अबे शिट. देख लिया क्या इनने? कुछ तो ढूंढ रहे हैं ये दोनों गंजू. क्या हो गया इन दोनों को? पगलाहट हो गए. मारने की कोशिश की जा सकती है पीछे से जाके? नहीं जा सकती. मजाक था भाई. खल्लास बंदा. मार जल्दी चल. फोड़. टॉम. यस एक बार गिर जाए ना तो लात से ही खत्म कर डालो उनको. एक का तो चीथरा कर दिया हमने. अच्छा वो मुझे वो रेड बैरल दिख गया. सीधा उसी को शूट करके बूम.
ओहो इसकी मुंडी खा चुके ये लोग. अ लिटल लेट, थोड़ा सा लेट. क्या कर रहे हैं यहाँ की तारे वारे खा रहे क्या ये लोग? सारी लाइट ही चली गई है. आगे बढ़ा आगे बढ़ा. इधर मोबियस के अड्डे में कैसे घुस गए ये सब? मोबियस के लोग हैं, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गए. उसने आँख खोली, लोग ट्रांसफॉर्म होने लगे, जितने भी डेड बॉडीज थे, नए नए भूत निकलने लगे ज़मीन में से. अजीब सा था यार ये स्टेफानो, ये कहाँ से ला रहा है ताकत? पुराने भूतों की ताकत है ये? इस वर्ल्ड में शायद लोगों को ताकत मिल सकती है, इसलिए वो उसके पीछे बड़ा ले लेके. कंफ्यूजिंग है थोड़ा भी, लेकिन बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड नहीं जा रहे हम लोग. भाग भाई सेबेस्टियानो, अब क्या करें? ओके दिस इज नॉट गुड. ये बुलबुले कहे उठ रहे हैं यहाँ पे. द हेल इज दिस स्टफ? अबे यार ये क्या स्टफ है? आए हाय, सफेद सफेद बुलबुले उठ रहे हैं इसमें से. दो शॉटगन बुलेट्स, हैंडगन कितने बनेंगे? एक ही हैंडगन. अबे मजाक कर रहा है क्या? अभी जो चीज़ आने वाली है कुछ खतरनाक ही आने वाली है. अरे कुछ स्टिकी स्टिकी सा है, बहुत गम टाइप. उसके ऊपर चलते इसके टांगे फंस रही है अंदर उसके. ये देख, एंड अब जाना हमें D5 तक ही है वहाँ तक पहुँचने के लिए. क्या चीज़ हो सकती है ऐसी जो ये चीज़ प्रोड्यूस कर रही है भाई? मैं जानना भी नहीं चाहता. ऐसा लग रहा है इसके अंदर से बच्चे निकलेंगे किसी छोटे छोटे एलियंस के. पूरी जगह इसी से फुल है. ये रूम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. टीवी ऑन हो क्या? सारे टीवी ऑन हो रहे धीरे धीरे. अबे चमक क्या रहा था यहाँ पे. कौन टीवी ऑन कर रहा है? Stop and listen to yourself, Myra. A secret society abducted Lily and staged her death. Do you realize how crazy that sounds? But it's true. Why can't you understand that? I know it's hard to accept, Myra. But she's gone. Our little girl is gone. But I have proof. Look. Myra, you're obsessed. You need rest. Once you get past this, you'll learn to accept. No. I'll never accept it. If you won't help me, I'll find out the truth on my own. Myra, you were right all along. ये मायरा और सेबेस्टियन ही थे. किसी ने प्रोजेक्टर में चलाया. But why am I seeing this now? पता नहीं भाई, फोटोग्राफिक स्लाइड मिल गई हमें. A relic from a pre-phone camera era. These are found mostly in old people's attic. एक नया फोटोग्राफिक स्लाइड मिला है हमें, वापस ऑफिस में जाना पड़ेगा देखने के लिए. लेकिन ये मायरा, इसकी बीवी और इसी की कन्वर्सेशन थी. वो बिलीव करने के लिए रेडी नहीं थी कि उनकी बेटी मर चुकी है. वो ढूंढना चाहती थी, लेकिन हमें लगा वो मर चुकी है. हमने शायद उसको भी बहुत भरोसा दिलाया कि सब ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा ढूंढने ढांढने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन हम गलत थे, हमारी बीवी सही थी मायरा. अब पछताओ भाई पछताओ. अब वापस लाना ही पड़ेगा ना लिली को उसके लिए. मायरा लेकिन गई कहाँ? ओबे तेरी भाई, कुछ बहुत ही तेज चीज है वहां पे, बहुत ही तेज. फैसिलिटी का मैप कुछ काम आएगा ये मैप हमारे? चेक जरूर करने जाऊंगा मैं उस भूत को. बंद कर दिया होगा उसने, चिपका दिया उसने दरवाजा वहां से. अरे 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 अरे, मेरे को लगा गेट नहीं खुलेगा. अरे क्या चीज है ये? The white God, look at the size of that thing. Maybe I can sneak past it. अच्छा स्नीक पास्ट इट, तू मजाक कर रहा है मेरे साथ? छुप तो जा पहले, नीचे से हाथ पांव भी निकल रहे हैं उसके. अबे नहीं, देख लिया क्या?
teri. Chup na beku. Abe teri jaan. Kahan phas gaya main? Oh shit. Mar gaya, maut hai meri to, maut hai yahan pe. Kahan bhagu? Seedhiyon se upar seedhiyan kahin nahi ja rahi hai bhai. Galat jagah ghusa hu main. अरे पूरी वाइट लगा दी इसने, हाथ निकले ही आ रहे, निकले ही आ रहे। ओबे शिट, इसके गुह में घुस गया मैं, स्लो हो गया, बिल्कुल स्लो हो गया मैं। ये उठा पहले और भाग यहाँ से, उसका हाथ तो कहीं से भी निकल जाएगा ऐसे तो। I gotta get the hell out of here. भाई छुप छुपा के जाना था, मैं तो तहलका मचा के निकला है सेबेस्टियन अपना। ये क्या क्या अजीब सी चीजें वेट कर रही है यार हमारा, पगलाट समझे क्या ये? इन सफ़ेद चीज़ों के पास भी नहीं जाना यार, अभी इसमें से हाथ पांव कुछ निकल के आ जाएगा भाई। इतना बड़ा वेयर हाउस एंड कुछ भी नहीं आसपास। ओए फॉल आउट का बॉबल हेड, यू फील लाइक यू हैव सीन दिस बिफोर बट यू कांट क्वाइट पुट अ फिंगर ऑन व्हेन, बट एनी रेट इट लुक्स प्रीटी कूल। फॉल आउट का ईस्टर एग यहाँ पे, क्या बात है। ओए, एक बड़ा सा गेट और कुछ भी नहीं आसपास भाई। D5 कहाँ है? ओ तेरी, आ गया ये मुंडी निकल आई, ये ले, दूर हो जा। अबे चार शॉट मारे, ये तो और पागल हो रहा है। छूट गया मैं। भागा सेबेस्टियन अपनी जान बचा के, वापस भी मत जाने की सोच वहां तो। I thought this place was supposed to be fucking stable. सही में हमने वो एमिटर ऑन किया, उससे स्टेबल तो हो जानी चाहिए काफी कुछ चीजें, लेकिन कुछ भी स्टेबल नहीं हो रहा यहाँ पे तो। उसकी ताकतें और भी तेज चल रही है, अजीब अजीब से क्रिएचर्स तो वही बना रहा है ना। हम उस टूटे हुए जगह के इस तरफ तो आ गए, पता नहीं भाई किस तरफ आ गए हम लोग। ये रहा एग्जिट D5, सही जा रहे हैं हम, बिल्कुल सही रास्ते पे। छोटे छोटे दरवाजे इतने इसमें। Looks like someone's enjoying the show. Hold to look. क्या बात कर रहा है, किसको लुक करूं? Someone's enjoying the show? किस चीज की बात कर रहा है ये? मेरे पीछे कोई है क्या? कोई तो मजे ले रहा है भाई हमारे साथ, वो बात तो सही है। एक और मिला मुझे ये वाला गेट। बस मैच इट, फ्रीक्वेंसी जुड़ी, दरवाजा खुली। ले फिर कुछ नया वेपन दिला दो यार। रिपोर्ट 532, डिस्प्लेसमेंट प्रोटोकॉल, इमरजेंसी कोर डिस्प्लेसमेंट प्रोटोकॉल। It is imperative that a missing core be replaced as soon as possible. A core that has been missing for even a few hours can affect the stem programming. And wo dekh sakte hum, jaise hi core gaya, sab kuch idhar udhar hone lag gaya. If the core is missing for over 36 hours, emergency protocols. Emergency protocols are only accessible for Mobius operatives. Bhai Mobius operatives hi to ja rahe hain phatafat, wo core ko stable bhi nahi kar pa rahe, wapas bhi nahi aa pa rahe. वेपन पार्ट्स, मोर फूल पट्टे एंड शॉटगन एमो। चल शॉटगन एमो ही सही, कुछ तो दियो इनने, कुछ तो दियो। कुछ क्राफ्ट कर सकते हैं हम लोग, मेडिकल किट भी फुल हो चुका है, बुलेट ही बुलेट बचे अब तो। शॉटगन ही काम आने वाला है। हाँ जोर से मार लात सबास, ये मैप समझ ले एक बार में। अरे यहाँ पे सेव पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे ये सिंबल दिखा सेव पॉइंट, वहाँ पे। क्या देख लिया इसने, सिक्योरिटी कैमरा में किसी को पकड़ लिया इसने। यहाँ से तो मैं अंदर घुसा हूँ अभी, वो वहाँ पे मॉन्स्टर वॉचिंग। लिली, whoever's been here was gathering data on her.
Don't move. You're Mobius, right? Shut up! Don't say a word! You're not one of us. No, I'm not. Kidman sent me. Look, I'm here to help, okay? My name is Sebastian Castellanos. You're lying. Sebastian Castellanos is dead. What? No. Who told you that? Turn around. Do it slow. Hamari Bibi. You're Yukiko Hoffman. How do you know my name? I told you. They sent me in here to find my daughter Lily. The core. I'm telling you the truth. I know. You do? Lack of micro-expressions and deflection. No verbal parroting. I've seen enough to know you're telling the truth. Right. The team psychologist. Your hair psychologist. I have to use whatever tools I have to survive. Combat isn't my forte. Seems to be a running theme here. Sorry for pointing my gun at you. So they're sending independent contractors now? That means things aren't improving. Have you found any other team members? I have, but the only one I've found alive is O'Neill. Liam is alive? Good. Has he made any progress on stabilization? The big emitter's back on, but this place is still falling apart. And I think it's all because of this psycho that kidnapped Lily. He's running loose in Union and can manipulate this place at will. That means my theory is correct. This is more than a core disconnect. We doctors don't like to use the term psycho in pejorative terms. But in this case, it's apropos. Only a clinically diagnosed psychopath could affect STEM like this. A psychopathic personality type using Lily to amplify his power. This is the worst possible situation. You're a shrink. Any suggestions on how to defeat him? Psychopaths are antisocial, lack empathy, and exhibit sadistic tendencies. But their main commonality is their pathologic egocentricity. They don't care about people, only themselves. Can you think of anything that would be important to him? Yeah. He thinks he's some sort of artist. It's all he talks about. Then maybe the best way to attack him would be through his art. Destroying something valuable to him could knock him off of his guard. I'll keep that in mind. But I've got to get to him first. He's holed himself up in the theater. Right. So exit D5 then. It's right here, just in the next room. Let's pair communicators so that we can stay in touch. I'll review my files and see if I can't dig up any more information about what's going on. I still feel like there's more to this. Regardless, he's probably going to be difficult to fight. Feel free to help yourself to anything here you might need. चलो भाई, एक और हमें अड्डा मिल चुका है. इस बार psychologist. एक तरफ वो O'Neill, वहाँ का technician, यहाँ पे psychologist. कोई भी fighter नहीं मिल रहा हमको. कोई soldier type. Lily thinks I'm dead? So does Lily really think I'm dead? Or was that just a part of your lie detecting test? Sorry to break it to you, but she does. I thought it was the truth too, until just now. But over the years, I've learned to take everything Mobius tells me with a pinch of salt. It wasn't difficult to see you were telling the truth. Why would they do that? What kind of monsters do you work for? I know it's not right. But consider this. Lily is probably less traumatized by thinking you're dead than by thinking you're alive, but she can't be with you. Yeah, maybe. But what will happen when I finally find her? Don't worry. She'll believe the evidence of her eyes once she sees you. सही बात, भाई Mobius से भरोसा नहीं किया जा सकता. पता नहीं क्या करना चाहते हैं वो psychopath. If Mobius knew to keep psychopaths out of STEM, then how did one end up in here? I don't know. Every individual in STEM was subjected to a battery of psychological exams prior to placement. And we've been observing them from here, in secret, to keep an eye out for mental instability. Yeah, well that didn't work. Unfortunately, psychopathy and sociopathy are incredibly difficult to diagnose correctly. Psychopaths tend to be cunning and highly intelligent. Aware of their own diagnosis, they're able to disguise themselves among us. The fact that this one was able to fool us
He's obviously adroit and self-aware. Disturbingly so. Great. So the tests only filtered out the weakest of psychos. I feel terribly responsible for all of this. I helped devise those tests. सही में वो बहुत बड़ा पागल है यार एंड वो लेली की ताकत यूज करके अपना साइकोपैथ और बढ़ा रहा है शिट यू सेड यू थिंक देयर इज समथिंग मोर टू दिस आई स्टडीड द बीकन इंसिडेंट एक्सटेंसिवली सो दैट वी कुड अवॉइड अनदर डिजास्टर लाइक दैट इन दैट केस द पर्सन इन क्वेश्चन वाज द कोर बट इवन देन द एनवायरनमेंट रिमेन्ड रिलेटिवली इंटैक्ट समथिंग जस्ट डजंट सीम राइट हियर व्हाट डू यू मीन द क्रिएचर्स इन हियर द डिसोल्यूशन ऑफ यूनियन द टोटल ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन विद मोबियस It just seems like a lot for one person, even with the power of the core. He mentioned someone before, another person who wanted the core's power. That could mean... No. It's too horrible to contemplate. What? There's only one thing that could be more powerful than a psychopath in here. But I need to do some research before I can commit to the theory. Psychopath se bhi zyada dangerous kya ho sakta hai? Ek shayad purana core? वो पॉसिबिलिटी है भाई पिछले गेम का कोर जो था रूविक वो शायद अभी भी एक नए सर्च पे है एक नए कोर की पावर देना चाहता है वो लिली की ओ रेड जेल मिला है हमें इतना बड़ा सब कुछ ले ले भाई सब काम आने वाला है दरवाज़ा खुला कहीं का अच्छा ये बैठ गई है D5 का रास्ता इधर से ही जाता है आगे भाई कुछ भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट मिले सब ले ले भाई सेव कर गेम अपनी ज़िंदगी बचा कॉफ़ी पी भाई उस भूत ने सही खा लिया वो गू वाले भूत ने लेने लग गया इन्वेस्टिगेट कोर कैंडिडेट्स द आइडियल कोर कैंडिडेट मस्ट हैव अनफिल्टर्ड ईगो इन ऑर्डर टू रिटेन देयर ओन पर्सनैलिटी वाइल सपोर्टिंग द इंटरलिंक माइंड्स ऑफ मेनी अदर्स तभी एक बच्चे को चुना गया गिवन दीज पैरामीटर्स देर आर ओनली टू पॉसिबल कैंडिडेट्स ईगो मेनियक्स विद साइकोपैथिक टेंडेंसीज और चिल्ड्रन तो वैसे ही वो थोड़ा सा पागल था रूविक जो पहले गेम में कोर था एंड अब ये साइकोपैथ ये नया है स्टेफानो वो शायद अब कोर बनना चाहता है उसकी सारी ताकत लेना चाहता है एंड जैसे वो बता रही थी बहुत ही ईगोमेनियक है वो साइकोपैथिक है वो तो वो सही कैंडिडेट बन सकता है ये मुश्किल पड़ जाएगा अगर वो बन गया तो ग्रीन गू के पास वापस मत चले जाइए यहाँ पर एक और दरवाज़ा है यार ओ ओ ओ यहीं से आया था क्या मैं अरे हाँ यहीं से तो आया था मैं पीछे चल कितने तेज़ी से आया जैसे मॉन्स्टर पीछे पड़ा उसके यहाँ पे गेट खुला हुआ है छोटा सा हाँ हाँ शीशा फूटा तो मैं जाऊँगा अंदर सेबेस्टियन के कमरे में वापस सेव पॉइंट यहीं पे है एक नया हमें स्लाइड मिला है उसको देखते हैं ज़रूर ये काली बिल्ली क्या है क्या सिग्निफाई करती है ये कुछ तो चक्कर है इस बिल्ली का भी ले भाई सिर्फ चौथा मिला हमें टॉक टू किडमैन पिक अप किडमैन आई एम हियर द फर्स्ट टाइम आई सॉ मायरा शी वाज वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म आई थिंक आई फेल इन लव विद हर राइट देन एंड देयर आई डिडंट वांट टू एडमिट इट टू मायसेल्फ बट आफ्टर शी वाज इंजर्ड ऑन ड्यूटी आई न्यू आई कुडंट रिस्क नॉट टेलिंग हर हाउ आई फेल्ट She was such a great wife and mother that I sometimes forget she was a great detective, too. She was right. She knew there was something fishy about Lily's death. I mean, kidnapping. I should have believed her from the start. There's no way you could have predicted the truth, Sebastian. You know this. तो मायरा भी एक डिटेक्टिव ही थी. काम में प्यार हो गया था दोनों को एक दूसरे से. And उसका शक सही था. Wow, Billy? गिफ्ट लेके आई हमारे लिए थैंक्स किटी किटी कैट थैंक यू एक गरम चाय की प्याली हो कोई मुझको पिलाने वाली हो तो हमारी हेल्थ पूरी हो जाए फटाफट ये अब चलो भाई मैरो के थ्रू D5 से एग्जिट थैंक यू साइकोलॉजिस्ट हमारी बेटी को भी ये बता दिया गया है कि सेबेस्टियन उसका बाप मर चुका है एंड इसको भी यही लग रहा था कि सेबेस्टियन मर चुका है लेकिन नहीं वो ज़िंदा है लेकिन जब उसको पता चलेगा कि उसका बाप ज़िंदा है तो क्या वो स्टेबल रहेगी कहीं उसका दिमाग ही ना बस्ट हो जाए एंड उसी के साथ सब कुछ और भी बस्ट हो जाएगा मिल गया भाई एक तो स्मोक पाउडर ओके
स्मोक वाला मैंने सबसे कम यूज किया है ऐसे। अबे ये क्या है, काहे का पर्दा लगाया है। चल भाई यूनियन थिएटर के तरफ जाने, हमें वहाँ पे वेट कर रहा है वो। फिर दोबारा मैरो के थ्रू। ये वाला ग्रीन क्यों था? ग्रीन कंप्यूटर था। ये पेड़, दो पेड़, इस बार तो लाइट भी नहीं जल रही दूर तक। आ गया भाई सीधा सामने एक और पोस्ट प्लस। ले चलो भाई, इधर की दुनिया कैसी होगी, अजीब सी होगी। कुछ सिग्नल आया। अरे ऑफिस टाइप यार ये तो। कोई सिग्नल आया कहीं से, इस तरफ से आ रहा है सिग्नल, इस दरवाजे के पीछे। क्या यार, एक और रेजोनेंस पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पहुँचते ही। हार्पून बोल्ट्स ही हार्पून बोल्ट्स हैं यहाँ पर। चल सही, हाई ग्रेड वेपन अपग्रेड भी मिल गया मुझको, वेपन पार्ट्स। यस, नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा सकता हूँ किसी को एक को। आई थिंक मैं शॉटगन को ही अपग्रेड करने वाला हूँ। कॉफ़ी मैं पी चुका हूँ बहुत सारी। ओ ओ ओ, एक और शीशा यहाँ पे। ये सब के सब सेव पॉइंट्स हैं यहाँ वहाँ। 60 वेपन पार्ट्स और। ओके कूल, देखते हैं बाहर क्या चल रहा है, क्या वेट कर रहे हैं हमारे लिए। अरे दो और बड़े सिग्नल। यही तो है भाई। चल भाई पता लगाए क्या चल रहा है। ये तो गए हो यहीं पे, लेकिन हमें पता चला है कोई बड़ा सा वेपन है स्टोर में एंड उसकी चाबी एपीसी में पड़ी है। भाई ये सब इधर उधर क्यों फेंक देते हैं चीज़ें, एक जगह नहीं रख सकते ढंग से। अब मुझे जाना गाई वाले, तो ये बताओ थिएटर कहाँ है इनका? Alright, the theater. I'm coming for you. थिएटर वही है भाई, थिएटर वही है। इन्वेस्टिगेट द थिएटर। ओके चिल्लाने चुल्लाने की भी आवाज़ बहुत आ रही है यहाँ पे। अरे भाई साहब, और तेरी उल्टी वाली आंटी, इसके पास नहीं जाऊँगा मैं। मैप देखो फटाफट। ओके थिएटर बिल्कुल हमारे पीछे, लेकिन वो रेजोनेंस कहाँ से आया था? रेजोनेंस का कुछ अता पता नहीं अभी तो। थिएटर की तरफ से जाऊँगा, इस उल्टी मानव के पास नहीं जा रहा मैं, पागल नहीं हूँ। कोई और सिग्नल आ ही नहीं रहा आसपास से अभी तो। शायद वो थिएटर के पास ही हो वो एपीसी, चाबी वहीं आसपास मिल जाएगी मुझको। भाई ऐसी जगह में आ जाओ ना तो रेडी हो जाओ अपने बंदूकों के साथ, कुछ भी आ सकता है कुछ भी। कुछ तो भगा। ओ तेरी, देखा तो नहीं इस पापी ने मुझको? पीछे से जाके स्टेल्थ खेल भी तो मुश्किल है। ऑलमोस्ट देख लिया, झाड़ियों में ऊपर जा रहा है। ये लोग भी तो बड़े शाणे हैं, ऊपर नीचे भागते रहते हैं। चल फिर हो जाए फाइट ऑन द रूफ टॉप, छत में जाके मारूंगा। और वो ईवल आए तो ऐसे भाई चारों तरफ देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। बस मेरी तरफ मत देखियो। अरे रुक जा, शांति से रुक जा एक जगह भाई। चले जा रहे। ओह मैं तो छुपा। आ जा भाई, एक स्टेल्थ किल कोने से, वो भी मस्त होगा। यस, ये ले, छुपे हुए जगह से भी आप मैं स्टेल्थ किल कर सकता हूँ उस स्किल के बाद। यस थैंक यू, बड़ा डब्बा है यहाँ पे तो।
एक्स भी मिल गया हमें साथ ही साथ. लॉक लगा हुआ है लेकिन इस पे लॉक चाहिए भाई. यही तो है शायद वो स्टोरेज. मे बी यही स्टोरेज है. घर तो बहुत सारे हैं. बस अड्डा है यहाँ पे. नॉट गुड. सन्स ऑफ लिबर्टी. भागू या नहीं भागू? इतना है इस ज़्यादा गेम में भाई. उसके आर्ट मुझे चारों तरफ दिख रहे. क्लाइम डाउन आराम से. चोट नहीं खानी बस. लाइट भी बहुत है इधर तो आसपास. घंटियाँ बज रही है अब तो धीरे धीरे मेरे कानों में. भगले बेटा भगले. कहाँ गई बिग बॉस की आंख? कैसे घूर रही यार. जिस तरफ भी जाओ उस तरफ घूर ही रही होती है. ये कौवे ना हर जगह. ये सब कुछ गायब हो जाएगा अचानक से. यही है आर्टिस्ट. असली लोगों को मार मार के. Damn it. Lily's inside there. ये ले फिर. You did not appreciate my beautiful obscurus performance. Perhaps this one is more to your liking. Gala. No! Sorry, help me! I'm preparing my greatest work yet. But you are not worthy enough to witness it. Not until you learn to respect my art. Listen to their screams. The echoes of my work. Respect art, huh? Time to put Hoffman's theory to the test. Art ko respect karo, art ko respect karo. Chapter number 7, Lust for Art. स्टेफानो के आर्ट पे लॉक आया बिल्कुल है. चारों तरफ से स्टेफानो की आर्ट की ही आवाज आ रही है. आई थिंक ये दोनों आर्ट मुझे ढूंढ के डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा रेजोनेंस के हिसाब से. असली लोगों को मार मार के ना इसने ऐसे लटका दिया है. द लस्ट फॉर आर्ट बिगिंस हियर. कूद नहीं सकता मैं अपनी मौत की तरफ. अपेरेंटली नॉट. लेकिन ये सिग्नल हमें कहाँ ले जाएगी? दो सिग्नल आ चुके हैं. ओहो, इस सेफ हाउस तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले तो मैं. इस सेफ हाउस में मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी फिर देखेंगे उसके आगे का रास्ता. तो भाई चैप्टर नंबर 7 तो मैं स्टार्ट कर ही डालूँगा. स्पीड लिमिट भाई. तेरे सर की. ये आंख का हाथ आया ऊपर से टेंटिकल एंड चार भूत निकल के आया उसके अंदर से. कमाल करते हो सर जी, कमाल करते हो. कितने तेज भागा ये. आना इस तरफ आना. पांच पांच हो गए यार ये तो. कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं. दूर हो जा मुझसे, दूर हो जा. अरे यार अच्छा खासा भागने की कोशिश कर रहा था मैं. पांच पांच ही आ गए. चुपचाप से निकल जा, चुपचाप से निकल जा. कुछ नहीं देखा तुमने, कुछ नहीं देखा तुमने. मैं तो निकला भाई भागने 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 यहाँ से भागने. जितना दूर हो सकता है भागने फटाफट. कोई पीछा नहीं कर रहा मेरा भाई. ऐसे डराओ तो मत. ऊपर से क्या क्या गिर रहे हैं यार. धड़ाम धुड़ूम. एक गाड़ी नहीं चल रही क्या? गाड़ी ले और भगा, सबको पिचकाते रहे मजेदार तरीके से. अबे यार ये आंख का बच्चा. इतना बड़ा सिक्योरिटी कैमरा है किसी टाइप का ये. हम भी तो आसपास ही रहे हैं सबके सब एक साथ. अबे तेरी. उधर जा, उधर जा, उधर जा. ये चीज तो एक बार में मरेगी भी नहीं. ये चाकू वाली भूत. यही तो पंगा है इस चाकू वाली भूत का. इसको तो बोतल से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता.
पास जाओ तो घूमने लगती है। एक्स तो पड़ा है वैसे मेरे पास, एक्स मार सकता हूँ मैं इसको जाके। पीछे मत मुड़ियो, पीछे मत मुड़ियो, पीछे मत मुड़ियो। ये ले भाई, मरेगी नहीं वो, मरेगी नहीं, मार इसको। बच गया भाई, ये वाले काफी स्ट्रॉन्ग है, डबल हिट ले सकते हैं यार। थैंक यू ये सारा सामान यहाँ रखने के लिए मिस्टर। इसका चाकू भी उठा लिया करना उसके बाद। ओ देख चाकू उछलते में वहां पे गया। यहीं पे सेफ पॉइंट, यहीं पे। चलो अच्छा कुछ काम तो अच्छा किया कि इन्हें सेफ हाउस बना के रखे हुए छोटे छोटे। बिजली ऐसे कड़क रही है जैसे शेर घुर्रा रहा। Sounds like someone's in trouble. भाई स्टेफानो आर्ट बना रहा है लोगों का लगता है अब तो मुझे। ये किसी का ना आर्ट। ओबो तेरी। कुछ है इसमें। आना आना। यस ये वाली स्किल अच्छी आई है। और तेरी तो यार बूम हेडशॉट। ओबो तेरी अभी भी जिंदा कैसे तू? क्या हेडशॉट था, अभी भी उसकी चीजें हिल रही है मुंडी की। आय हाय ये गली में कुछ लेके मरा है ये बंदा स्पेशल। कुछ अच्छी चीज मिलनी चाहिए प्लीज। कुछ तो आ रही थी रेजोनेंस यहाँ से। पाउच अपग्रेडेड शॉटगन की, यस 10 रख सकता हूँ मैं। कमाल हो गया, कमाल हो गया, सही चीज दी है इसने। स्टेफानो के 8 तुझको मैं दूंगा 8। बस बस पीछोले पीछोले गलियों में घुसी हुई है चुड़ैल सब के सब। सही हेडशॉट था पहला वाला, मेरे को लगा उसमें ही ढेर हो जाएगी ये, लेकिन कहाँ। एक और चीज आगे की तरफ। अरे भाई गेट सारे बंद क्यों हैं? घूम के आना पड़ेगा मुझको। बहुत चालू है। कूद जा भाई कूद जा से। चल भाई चल, मेरी कहीं से आवाज आ रही है। कौन से गली में से क्या निकल के आ जाए, क्या भरोसा। कोई खिड़की नहीं खुली हुई इस घर की। कुछ तो दिला दो, इतना हल्ला कर रहा है। ओबे यार भाग बेटा भाग, जल्दी अंदर भाग। पक्की चीजें चीजें निकलेंगी इसके अंदर से। मॉन्स्टर्स का सोर्स है ये, इसके अंदर से पैदा होते जा रहे चीजें। Damn, he's gonna get mobbed. Who's going to get mobbed? कहाँ भूत चढ़ रहे हैं, किसके ऊपर चढ़ रहे हैं? अरे भाई साहब, है तो नहीं कुछ आसपास? यहाँ से जाली टूटी पड़ी है। Maybe I can get the jump on them. अच्छा, ट्रक फोड़ने में लगे हुए ये लोग यहाँ का। एक बच्चा बचा हुआ है। अबे सबको क्यों बुला रहा है अपने पास पागल के अंदर। Hey, you over there? You gotta help me. Come on, man. I know you can hear me. अबे पागल इंसान, चिल्ला ले। कहाँ है, कुछ आ रहा है मेरी तरफ? गोलियां बजा तो रहे वो फटाफट। अबे ऊपर भी चढ़ गए लोग। एक्सप्लोसिव कहां गया मेरा? चुप रहे चुप रहे, उसकी हेल्थ जा रही है बड़ी तेजी से। ये ले फटाए। अबे उठ गया ये मोटा। चुप रहे। ओबे तेरी कितनी तेजी से आए ये सब। मोर ओवर देयर मोर ओवर हेयर। आना फिर आओ ना, आओ ना फिर आओ ना, आओ ना आग में आओ तब पता चलेगा। ओबे दो बार आग में गए ये।
मार तो नहीं गया वो, लोग चढ़ रहे हैं उसके ऊपर, अकेले बेचारा कब तक फाइट करेगा। ले मर गया, फोड़ उसका सर, फोड़ भाई तू तेरी। अबे शिट, अभी खत्म होना था ये सब, आग लगा दी। बचा कि नहीं तू? अबे दो और आ रहे हैं, तू क्यों हल्ला मचा रहा है? पांच आ रहे हैं। कांड करवाएगा ये। आग पकड़ी, आग पकड़ी, आग पकड़ी, गाड़ी ब्लास्ट ना हो जाए। तो ऐसे ही आ गए, गाड़ी ब्लास्ट भी हुई। शिट शिट, दूर हो भाई साहब। एक ही गया, मरे सब? नहीं मरे अभी तो, सब नहीं मरे। कहाँ है मेरी हेल्थ? जाने वाली है जल्दी। इंजेक्शन ठोक, शिट, पागल कहीं का। दो इंजेक्शन ठुकवा दिए मैंने। किससे लड़ रहा है ये? ऊपर ही लड़ा पड़ा हुआ है उसके साथ। चल सही, दोनों ने मिलके काम तो तमाम कर दिया लोगों का। हम मुझे चीजें लेने दे, पागल मत हो। जान बचा ली मैंने तेरी, खुश रह। यहाँ पे था यार। You just saved my ass. I didn't think anyone would come. You're from the search team. How did you end up here? I was looking for something. And what would that be? Look, it's dangerous out here. Come to my safe house so we can talk. Lead the way. Okay. Come on. आ रहा हूँ। Safe house में ही आ रहा हूँ मैं तेरे। 100 ले लूँ पहले? Injection भी मिल गया। Yes. Syringes. अब अंदर चला गया वो खुद मुझे छोड़ के। बोतल, भाई इतने सारे मरे थे, कुछ तो छोड़ के गए होंगे। ये रहा। भाई ये ग्रीन जेल, इसी के पीछे तो मैं पागल हो रहा हूँ। किस चीज़ को नहीं मारा मैंने इस ग्रीन जेल के लिए। भाई एक साथ इतने सारे, वाट लग जाती अगर ये कैंस और ये पेट्रोल नहीं होता आसपास, तो भाई मच जाती। ये ले, कहाँ छुप गया भाई अंदर जाके? चलो बच गया। Come on in. They can't get in here. Thanks again for helping me out. I'm Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos, huh? I've heard of you. You survived the beacon incident, right? How do you know that? I'm a STEM programmer, but I've got other skills too, like hacking information systems. I know all kinds of things that nobody else knows, not even other members of the team. Then you know who Lily is. Yeah. We're all trying to find her. Haven't had any luck though. That's why you're here, huh? That's right. But if you can't help me with that, then we've got nothing else to discuss. Good luck. Hey, hold on. We might still be able to help each other out. This better be good. Look, there's a bunch of stuff in here that you could probably use. Now you can have it for saving me out there. You want to hear my proposal? Come on back to me. Okay, proposal लेके आया ये हमारे लिए। लेकिन सबसे पहले तो मैं तेरा अड्डा लूटूंगा कुछ भी हो जाए। ओहो, इसके पास भी ये वाला डब्बा है जिसमें लॉक लगा हुआ है। यही ढूंढने के लिए गएगा वो, पक्की बात है। चाबियां लेके आओ इसके लिए, तब जाके ये सब खुलेगा भाई सपाट। अरे अरे शीशा, जस्ट शीशा। ये सब तो मैं अपग्रेड कर लूँगा जाके फटाफट। सेव भी ये पॉइंट है यहाँ पे। सही है बेड़ो, सही है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आई होप आप लोगों को मज़ा आया। फटाफट लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मुझे कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट मोमेंट, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विथ मोर इवल विद इन टू। तब तक के लिए बाय बाय।